स्मृति मंधाना ने बनाया रिकॉर्ड, दिग्गजों को पछाड़ कर निकली आगे, विदेशी धरती पर छाई स्मृति मंधाना। बुधवार 21 सितंबर के दिन भारत बनाम इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 88 रनों से जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक सीरीज अपने नाम कर ली है। इस मुकाबले में जहां हरमनप्रीत कौर जो कप्तान हैं उन्होंने 143 रनों की पारी खेली, तो वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने भी 40 रनों का योगदान दिया। लेकिन इन्हीं 40 रनों के चलते स्मृति मंधाना ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो रिकॉर्ड क्या है, चलिए जानते हैं इस खबर में। आपको बता दें, स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में 51 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की पारी खेली। लेकिन इसी 40 रनों की पारी के चलते उन्होंने टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, महिला क्रिकेट की बात करें तो भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे तेज 3000 रन पूरे कर लिए हैं। वहीं महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट को मिला दिया जाए तो स्मृति मंधाना ने दूसरा सबसे तेज 3000 रनों का आंकड़े को छू लिया है। इससे पहले विराट कोहली जिन्होंने 75 पारियां ली थी, उनके नाम वनडे में सबसे तेज 3000 रन हैं। अगर महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए तो पहले नंबर पर नाम ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज बलिंडा क्लार्क का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने 62 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे किए थे। बता दें कि महिला क्रिकेट टीम में स्मृति मंधाना के अलावा मिताली राज और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर ही 3000 रन बना चुकी हैं। अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो केवल स्मृति मंधाना के अलावा पूर्व कप्तान मिताली राज और वर्तमान समय के कप्तान हरमनप्रीत कौर ही 3000 से ज़्यादा रन लगा पाए हैं। आपको बता दें कि स्मृति मंधाना ने अपने वनडे करियर में कुल 76 मुकाबले खेले हैं। इन 76 मुकाबलों में उन्होंने 76 पारियां लेते हुए 86 के स्ट्राइक रेट के साथ 3023 रन बनाए हैं। उनके नाम जहां 5 शतक है तो वहीं 24 अर्धशतक भी है। मिताली राज जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वहीं उनसे पीछे हरमनप्रीत कौर आती हैं और उसके बाद 3000 ही भारत के लिए रन बनाने वाले स्मृति मंधाना तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।